हेलो फ्रेंड्स, अपना अंगूठा यहाँ पर चिपकाएं, सब्सक्राइब करें, बेल की घंटी दबाएं, ऑल ऑप्शन सेलेक्ट करें ताकि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आए। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल पैशन। एंड आज मैं आपके सामने जो वीडियो लेके आई हूँ वो अभी तक का सबसे बड़ा अनबॉक्सिंग बोल लीजिए आप, एंड अ वेरी यूजफुल वीडियो फॉर ऑल ऑफ अस, मेरे लिए भी, आपके लिए भी, सबके लिए भी। बिकॉज सबसे ज़्यादा लाइफ में इम्पोर्टेंट क्या चीज़ होती है? बढ़िया से काम करना एंड उसके बाद सबसे बढ़िया तरीके से सोना। एंड अगर आपका मैट्रेस बढ़िया तरीके वाला नहीं है तो जो है बढ़िया तरीके वाली नींद भी नहीं आएगी, राइट? सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो भी मैट्रेस यूज़ करते हैं आपको उस पर कोई डिस्टर्बेंस ना हो या किसी टाइप का डिस्कम्फर्ट ना हो, कुछ टाइम के बाद वो एक साइड से ढल ना जाए, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। तो इससे पहले वाला जो मेरा मैट्रेस था वो मैंने यहाँ पे लोकल कहीं पे ख़रीदा हुआ था, वो अभी एक साइड से थोड़ा सा जो है डाउन हो रहा था, इसलिए मैं टाइम टू टाइम जो है चेंज करती रहती हूँ। बट फिर भी मुझे इतना कंफर्ट नहीं लग रहा था एंड मैं और मेरे हस्बैंड डिस्कस कर ही रहे थे कि हम चलो मैट्रेस चेंज करते हैं। एंड इसी दौरान जो है मुझे फ्लो मैट्रेस वालों ने जो है कॉन्टैक्ट किया उनके मैट्रेस के लिए। तो आई वॉज लाइक, मतलब कभी कभी सोचते हैं ना, हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं एंड वही हमारे पास आ जाए तो बहुत अच्छा लगता है ना। जनरल लाइफ में भी हम सोचते हैं कि हमको वो ख़रीदना चाहिए, हमको ये करना चाहिए, एंड ऑटोमेटिक जब वो हमको बिना पूछे हमारी प्लानिंग से पहले हमारे पास आया तो इट गिव्स अ वेरी यू नो वंडरफुल फीलिंग। तो वही मैट्रेस मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ जो मुझे फ्लो मैट्रेस वालों ने भेजा है। एंड इसको लेने से पहले भी मैंने कुछ मैट्रेस ऑलरेडी ऑनलाइन चेक करे थे कि मैं कौन से लूँ। मतलब बेशक मैं ऑफलाइन भी खरीद सकती हूँ उसको, लेकिन किसी भी चीज़ को ख़रीदने से पहले जानकारी गैदर करना बहुत ज़रूरी है, राइट? तो मैंने इन सब चीज़ों की जानकारी गैदर करी। एंड क्योंकि मैं जो है जब भी अपने YouTube के काम करती हूँ या जो भी लैपटॉप पे जब बैठ के काम करती, लैपटॉप पे नहीं, आई मीन लैपटॉप के रिलेटेड जो भी काम करती हूँ, लेट के तो कर नहीं सकते, बैठ के करना पड़ता है। एंड बहुत देर बैठने के बाद क्या होता है, कमर ज़्यादा स्ट्रेन हो जाती है, तब लगता है एक बार लेट जाएँ और उसके बाद फुल जो भी रिलैक्सेशन है वो कमर को मिल जाए। एंड बहुत ज़्यादा स्ट्रेन होने के बाद अगर आपका मैट्रेस ठीक नहीं है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है। आपकी जो लोअर बैक पेन है वहाँ पर अगर एक बार दर्द शुरू हो जाए वो बहुत लॉन्ग पीरियड तक कंटिन्यू हो जाता है, एंड उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी कमर में दर्द इतनी ज़्यादा होती है, कभी कभी स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो, उसकी जो हड्डी है वो बहुत घिस घिस के टूट भी जाती है। मेन फोकस ये है कि जो भी लोग कमर दर्द से परेशान है उन लोगों को ये वाला ऑर्थो मैट्रेस पक्का यूज़ करना चाहिए। ये ऑर्थो मैट्रेस है आपके सरफेस को, आपके जो आपकी जो बैक है उसको एकदम कंप्लीट आराम देगा। एंड बिकॉज आई एम यूजिंग इट सिंस लॉन्ग, ये मेरे को आके भी कम से कम 20 दिन से ऊपर हो चुका है, बट आई वाज लाइक कि पहले मैं तो एक्सपीरियंस करूँ कैसा है तब ना मैं बताऊँ। ऐसा नहीं ना कि अभी आया और अभी खोला और मैं फिर अभी बता दूँ, तो वो रिव्यू नहीं होगा। तो मुझे लगा कि अगर मैं इसको यूज़ करती हूँ उसके बाद आप लोग को बताती हूँ तब आपको करेक्ट इसका जो है फीडबैक मिलेगा। तो इसका अनबॉक्सिंग कैसा था, क्या था, वो सब मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन इसके कुछ की पॉइंट्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। ये वाला जो मैट्रेस है ये किंग साइज़ मैट्रेस है एंड इसका साइज़ है 72x75। तो जब भी आप कोई मैट्रेस ख़रीदें उसको इंचेस में नहीं तो फीट्स में, जिस हिसाब से भी आप नापना चाहते हैं, एक टेप लेके पक्का नाप लीजिए, क्योंकि एक इंच भी इधर उधर हुआ तो आपके बेड में वो आएगा नहीं, या तो बाहर निकल जाएगा, क्योंकि हर बेड का जो कंस्ट्रक्शन होता है एक जैसा नहीं होता है, किसी किसी में बाउंड्री बनी होती है, जैसे हमारे वाले में बाउंड्री बनी रहती है, उसके बीच में ही हमको मैट्रेस को बिठाना होता है। अगर एक इंच भी ज़्यादा हो जाएगा तो हम उसमें घुसा नहीं सकते एंड उसके बाद वो लुक अच्छा नहीं लगता है। तो सबसे पहला आप जब भी कोई मैट्रेस ऑर्डर करते हैं तो उसका पहले माप ले लीजिए एंड उसके बाद यू हैव 6 inches मैट्रेस, यू हैव 8 inches मैट्रेस, जैसा आपको चाहिए वो लोग आपको वैसा कस्टमाइज़ करके बना के दे देंगे। कोई टेंशन नहीं है, चाहे आपका आपको इतना मोटा गद्दा चाहिए या बहुत बड़ा चाहिए, जैसा भी चाहिए आप नाप दो एंड आपको फ्लो मैट्रेस वाले जो है बना के दे देंगे। तो मेरे वाले जो मैट्रेस का साइज़ है ये किंग साइज़ है, दैट कम्स टू 72x75 inches एंड जो इसकी मोटापा है इसका वो है 6 inches का। तो मैंने 6 inches का इसलिए लिया क्योंकि हम 8 inches का भी मैं ले सकती थी, लेकिन 8 inches का मैंने इसलिए प्रेफर नहीं किया। 8 inches में क्या होता है, जब ये हाइट बढ़ती है ना तो चादरें जो है अपने मैट्रेस में मिल जाएगा, लेकिन हर जगह चादर मिलना बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो सारी चादरें जो है 8 inches के ऊपर फिट नहीं हो पाती है। तो 6 inches वाले में क्या है, मैक्सिमम किंग साइज़ है एंड 6 inches में सारी फिट हो जाती है, इसलिए मैंने ये वाला ऑर्डर किया। दैट इज़
यू नो स्पेसिफिक फॉर मी। एंड आपको अगर बैटरी जो है आराम से मिल जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तो आप वो भी ले सकते हैं। अपनी अपनी चॉइस है, क्या मालूम मैं फ्यूचर में 18 इंचेस का भी यूज़ करूँ, तो ऑल दैट डिपेंड्स। तो ये था अभी ये जो किंग साइज़ का मैट्रेस है, ये अगर आप मार्केट में जाके ख़रीदेंगे तो आपको मिलेगा रिटेल प्राइस में 50,000 के अबव ही मिलेगा, क्योंकि इसके रेट्स मैंने देखे 50, 60, 70, 80, 1 लाख के ऊपर भी है ये ऑर्थो मैट्रेस। इसका रेट इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ये उतना ही कंफर्ट देता है, जो भी आपकी थकान है वो सारी मिटा देगा। तो जितना रेट है उससे बढ़िया ये काम करता है, तब आपको लगेगा कि वी हैव इन्वेस्टेड इन करेक्ट थिंग, पहला पॉइंट ये। पर आपको 50,000 में ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो फ्लो मैट्रेस वाले हैं वो आपको डायरेक्टली पहुंचा देंगे, यानी कि इसमें बीच में कोई मिडलमैन नहीं है। आपको 50,000 से भी कम, मतलब आधे से आधे रेट में मिलेगा, या 20,000 के आसपास मिलेगा, डिपेंडिंग ऑन द साइज वॉट एवर यूर ऑर्डरिंग, लेकिन मार्केट के रेट से आधा रेट होगा वो। तो अगर मैं 50,000 बोल रही हूँ तो ये आपको किंग साइज 50,000 है, तो आपको 20,000 के आसपास में 19,000 उस रेट में आराम से मिल जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये है दैट दे विल डिलीवर डायरेक्टली टू द कस्टमर। पॉइंट नंबर टू, वेरी इंपॉर्टेंट, आप कभी भी आज तक अगर आपने मैट्रेस जो है ऑनलाइन नहीं मंगाया है, और अगर आप मंगाना चाहते हैं, आप सोचेंगे कि इतना बड़ा मैट्रेस कैसे आएगा, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको 10 लोग लगाने पड़ेंगे, मैट्रेस को अंदर घुसाना पड़ेगा, ऐसे कोई टेंशन ही नहीं है। इट कम्स इन अ वेरी कॉम्पैक्ट पैकेजिंग, क्योंकि ये जो मैट्रेस है वो लोग वहाँ पर मशीनरी यूज़ करके उसको वैक्यूम के थ्रू इसको पैक करते हैं। ये इतना बड़ा मैट्रेस है, 72x75 inches का 6 जो है इसकी विड्थ है, बट स्टिल ये पैक होके आए इतने से डब्बे में, मतलब लंबाई तो है लेकिन कॉम्पैक्ट हो गए। मैं आपको दिखाऊंगी अभी जब मैं इसका अनपैकिंग करूंगी, जो वीडियो मैंने शूट किया था, इतना कॉम्पैक्ट वे में आया है एंड इतना पतला होके आता है, और जैसे ही आप खोलते हो तब वो एज ए फूलने लग जाता है, जैसा नॉर्मल मैट्रेस होता है वैसे आता है। तो इट गिव्स अ वेरी सेटिस्फैक्शन फीलिंग ऑल्सो वैन यू वॉच दैट थिंग। सो पैकिंग एक बार आपने खोल ली, दोबारा आप उस डब्बे में नहीं रख पाएंगे, आपको फिर से वो मशीनरी यहाँ पे मंगानी पड़ेगी, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो एक बार खोलने के बाद आप उस डब्बे में नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो मशीनों के द्वारा हुआ होता है, वो आप घर में नहीं कर सकते हो। तो अगर आप सोच रहे हो कि आपको ये जहाँ पे भी खोलना है वहीं पे खोलिए, देखने के लिए खोल देंगे तो फिर आप दोबारा उसको रख नहीं पाएंगे। कभी कभी हमारे घर में मैट्रेसेस होते हैं, हमको लगता है भाई हम अपने मम्मी पापा को दे देते हैं या किसी भाई बहन को दे देते हैं। अगर आपका ऐसा कोई इरादा है तो आप सीधा उनके घर पे आराम से उसको लेके जाओ एंड बेड के ऊपर ही खोलो एंड वहीं पे बिछाओ, तो दैट इज़ मोर कन्वीनियंट। तो पॉइंट नंबर टू था ये। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आई वुड से, शायद ये वाली फैसिलिटी कहीं और नहीं मिलेगी आपको। तो अगर आपको लगता है आपको मैट्रेस की ज़रूरत है, तो आपको ये फ्लो मैट्रेस पक्का ख़रीदना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि अगर आप दुकान से भी मैट्रेस खरीद के एक बार पैसे पे कर देते हैं, दोबारा वो आपको वापस लेने का ऑप्शन नहीं देते, मतलब आप रिटर्न नहीं कर सकते उसको। बट हेयर दीज फ्लो पीपल गाइस आर अमेजिंग, दे आर गिविंग 100 nights फ्री ट्रायल, यानी कि 100 दिन वो बोल रहे हैं आप सो, आराम से सो, जैसे तैसे जैसे सोना चाहते हो सो। अगर आपको उसके बावजूद 100 days के ट्रायल के बाद भी अगर आपको लगता है कि आपको ये कम्फर्ट नहीं दे रहा है, आप जो है उनको रिटर्न कर सकते हैं। आपको कस्टमर केयर नंबर मिल जाएगा, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट का लिंक दे रखा है, सब कुछ दिया है, तो आप वहाँ पे पहुँच जाओ, परचेज करना है करो, अगर परचेज कर लिया है रिटर्न करना है, अगर नहीं पसंद आया तो रिटर्न भी कर सकते हो। सो दिस इज़ एन अमेजिंग ऑप्शन जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। एंड उसके अलावा दे आर गिविंग यू 10 ईयर्स ऑफ वारंटी आपको कभी भी किसी मैट्रेस वाले ने दिए नहीं, क्योंकि शॉप्स में जब खरीदते हैं मैट्रेस के ऊपर कोई वारंटी नहीं मिलती। जब हम इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदते हैं, फ्रिज, टीवी, एसी, वेसी, उसके ऊपर रहता है 10 ईयर्स वारंटी, लेकिन मैट्रेस के ऊपर कोई नहीं देता है, बिकॉज दे आर नॉट कॉन्फिडेंट ऑन देयर प्रोडक्ट। सो हियर द पॉइंट इज दे आर वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट देयर क्वालिटी प्रोडक्ट, इसलिए वो दावे के साथ कह रहे हैं पसंद आया रखो, नहीं पसंद आया तो वापस दे दो, हम आपका पैसा भी वापस दे देंगे एंड 10 ईयर्स की वारंटी है। इन सब ऑप्शन के साथ आपको क्या लगता है कि आइटम ख़राब हो सकता है? दैट मीन्स बिल्कुल ख़राब नहीं हो सकता है। अगर ख़राब भी हुआ आपके लिए तो आपके पास तो ओपन डोर्स है, यू कैन रिटर्न इट एनी टाइम 100 days के ट्रायल के बाद। सो जो भी उनके टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं आप वेबसाइट पे जाके पढ़ लीजिए, एंड कैसे वापस करना है, क्या है, जो भी है, कैसे पैक करवाएंगे, वो उनके ऊपर है। आपको किसी भी तरह की झंझट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। पॉइंट नंबर फोर इस कि अगर आपको लग रहा है कि एक ही बार आपको पे करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, अगर आप किंग साइज़ ले रहे हैं, अगर आपको 19-20 हज़ार पे करने में दिक्कत हो रही है, सो यू हैव द फैसिलिटी अवेलेबल ऑफ
EMI, तो आप EMI 1,000 रुपये से पे करके मैट्रेस आपके घर में आ जाएगा आराम से, आप 1,000 रुपये भरते रहिए जब तक भी भरना होगा. सो ईजी ना, 1,000 रुपये में आप घर मैट्रेस ला सकते हैं, राइट. तो इससे बेस्ट ऑप्शन कुछ हो नहीं सकता है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिफ्थ पॉइंट, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगेन. क्यों? बिकॉज इट इज़ विद 0% पार्टनर डिस्टर्बेंस. आपको सोते टाइम पे आपके बाजू वाले को कितनी भी कुद्दियाँ मारने चाहिए, कितनी भी पलटियाँ मारने दो, आपको किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं होगा, बिकॉज इसको इतनी अच्छी तरह डिज़ाइन किया गया है. अगर आप जंप भी करते हैं, आप एक पानी का ग्लास रख लेते हैं एंड उसके बाद कोई जंप भी करता है, वो पानी का ग्लास जो है बिल्कुल हिलेगा नहीं. कुछ भी रखो, पानी का ग्लास ही नहीं, अगर आपने कोई बॉटल रखी है, कुछ भी रखा है, जनरली नॉर्मल मैट्रेस में क्या होता है, अगर जो भी चीज़ रखी उसके साइड में पैर रखोगे तो धस जैसे टेढ़ा हो जाता है, अगर ग्लास है तो गिर जाएगा, लेकिन इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है. तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके बाजू में कोई भी, आपके बच्चे सो रहे हैं, आपके हस्बैंड सो रहे हैं, कितनी भी पलटी मारने दो, बच्चों को इधर उधर खिसकने दो, कुछ भी करने दो, आपकी नींद बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होगी. उसका लाइव एग्जांपल भी मैं आपको दिखा दूंगी अभी वीडियो में. तो ये थे 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखने हैं किसी भी मैट्रेस को खरीदते टाइम. अपने भेजे में उतार लीजिए इसको और तभी मैट्रेस को खरीदिए, बिकॉज मैट्रेस में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करना है, 1-2 रुपये वाली बात नहीं है, थोड़ी महंगी वाली इन्वेस्टमेंट है, इसलिए बहुत सोच समझ करके इन्वेस्ट करना चाहिए. तो चलिए आपको मैं अपनी सबसे, अब तक की सबसे बड़ी अनबॉक्सिंग दिखा देती हूँ. इतने बड़े बॉक्स की अनबॉक्सिंग आज तक मैंने नहीं करी है, बिकॉज इससे पहले भी मैंने मैट्रेस खरीदा है लेकिन वो रिक्शे में आया था ओपन में, लेकिन इसकी अनबॉक्सिंग तो देखने वाली है, क्योंकि आप भी बिलीव नहीं करोगे कि कैसे इतना बड़ा मैट्रेस एक छोटे से डब्बे में आया. चलिए देख लीजिए. सो सबसे पहले मैं इसको आउटर बॉक्स दिखा देती हूँ, जिसके ऊपर www.flowmattress.com लिखा हुआ है, वहीं पे आप पहुँच के ले सकते हैं. एंड इसको कैसे आपको अनपैक करना है उसको भी एक डायग्राम दिया है, यहाँ पे साइज़ लिखा हुआ है. तो अभी थोड़ा भारी है करके मेरे हस्बैंड लेके आए थे एंड वो और मैं मिलके खोल रहे हैं. सो बेड पे अगर आप डायरेक्टली बिछा दो, जहाँ पे आपको प्लेस करना है वहीं पे रख के खोलोगे तो ज़्यादा बेटर है. तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह पैक किया है, देखिए कितना कॉम्पैक्ट वे में आया है. एंड जो इसके ऊपर कवर लगा हुआ है उसको आप ध्यान से खोल लीजिए, क्योंकि कवर जब आप काटते हैं किसी भी शार्प चीज़ से तो मेक श्योर कि आपका गद्दा ना फट जाए. तो यहाँ पे हमने एक कवर निकाल दिया जो रोल करके करने के लिए था, एंड ये एक और कवर है. अगर आप चाहे तो इसको रख भी सकते हैं अगर आपको वो जो पन्नी से कोई डिस्टर्बेंस नहीं है तो, क्योंकि जहाँ पे बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं जो एकदम न्यू बॉर्न है उन लोग के लिए वाटरप्रूफ वाला भी काम कर लेगा, लेकिन हम लोग निकाल ही दे रहे हैं बिकॉज निकालने के बाद जो कंफर्ट होता है वो तो अल्टीमेट होता है. एंड अभी हम लोग एक बार गुद्दी मार चुके हैं एंड बच्चे भी जो है इस पर जंप कर रहे हैं. अभी मैं आपको एग्जाम्पल भी दिखाऊँगी कि कैसे कितना भी कुछ करो लेकिन इस मैट्रेस की क्वालिटी आपको पता लगेगी. देखिए कितना अच्छा, इसके ऊपर ये कवर भी दे रखा है, जिप लगी हुई है. इस जिप को निकाल के अगर मैट्रेस गंदा हो जाता है, काला वाला हो जाता है, तो कवर निकालो और इसको वॉशिंग मशीन में डाल के धो लो. तो मैंने यहाँ पे एक डिओड्रेंट की बॉटल रखी है एंड मैं जैसे ही रूम में आई तो आदित्य जो है बॉटल के साइड में हाथ से मार रहा था लेकिन बिल्कुल हिल ही नहीं रही थी. एंड उसके बाद दोनों जो है कूद रहे थे चारों तरफ, फिर भी नहीं हिली. एंड इसको पूरा जो है डेकोरेट करने के बाद, मतलब बेडशीट बिछाने के बाद, इसका फाइनल लुक ऐसा है. तो सी द थिकनेस, 6 inches इज़ गुड एनफ फॉर एनी काइंड ऑफ बेड. सो आई लाइक इट वेरी मच एंड इफ़ यू लाइक इट देन यू नो व्हाट टू डू. तो उसी मैट्रेस पे मैं अभी बैठी हुई हूँ एंड वीडियो के लिए मैंने इस पे चादर भी नहीं डाली ताकि आपको ये दिखती रहे एंड जो भी मैं बता रही हूँ उसका फील आपको अंदर से आता रहे. तो अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, पहुँच जाइए एंड परचेज कर लीजिए. एंड मेरे हिसाब से तो अब तक का बेस्ट मैट्रेस है जो मैं यूज़ कर रही हूँ, ऑर्थो मैट्रेस. एंड आपको भी अगर छूमंतर करने हैं अपने दर्द तो फटाफट से ऑर्डर कर लीजिए इफ़ यू रिक्वायर इट. तो अगर अच्छा लगा है वीडियो, यूज़फुल लगा है, तो एक लाइक ज़रूर चिपका दीजिए वहाँ पे एंड शेयर कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन बाकी लोगों में स्प्रेड हो पाए. एंड जिनको पेन्स है या किसी तरह का डिस्कम्फर्ट है, दे मस्ट यूज़ दिस काइंड ऑफ मैट्रेस. एंड बेल की घंटी जो है बजा डालो ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे आपको, वरना आप इंपॉर्टेंट वीडियोस मिस कर जाएंगे. तो चलिए, मी साइनिंग ऑफ स्वाति एंड मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.